So this is day two. We are heading to Sonmarg, and looking forward to the day. सुना था इतनी गर्मी नहीं ठंड नहीं होगी, बट अभी यहीं पे इट्स कोल्ड आउटसाइड एंड कितना राइट नाउ द टेम्परेचर इन श्रीनगर इज 16 डिग्री एंड टेम्परेचर इन गुलमर्ग इज समवेयर अराउंड 9 डिग्री और हमें आज कहाँ जाना है 0.27 किलोमीटर अवे अहेड फ्रॉम सोनमर्ग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द टेम्परेचर विल बी लेसर देन व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ सो वी आर प्रिपेयर्ड आई एम नॉट मुझे बोला था कम कम वूलन्स रखो तो देखते हैं ठंड लगी तो ऑल ऑन यू अब पता है क्या करना सर जैसे हम सोनमर्ग पहुंच जाएंगे ना आज गाड़ी अब तुरंत करना क्योंकि ये खमाई ना फिर वहां पहुंच जाएगा ना फिर आप अच्छी तरीके से क्योंकि वो रोड सिंगल ही है डबल नहीं है फिर आप इनके बीच में फंस जाओगे पूरा दिन ही जाया जाएगा अगर इनमें बीच में फंस गए हम जैसे पहुंच गए गाड़ी करना तो निकलना तुरंत So right now we are headed to Sonmarg. Sonmarg is also called the meadow of gold because when sunlight falls on these mountains, it looks like gold. And coming to the history of Sonmarg, it has a historical significance as gateway to the Silk Road. सो बेसिकली सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करता है सो वी आर हियर इन गुलमर्ग एंड इट वॉज टाइम टू नेगोशिएट फॉर द टैक्सी टू जीरो पॉइंट सो वही हुआ तो वही बट जैसा सुना था एकदम चीट कर लेते हैं बहुत रूडली बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था द गाय टॉक वेरी नाइसली बट हाँ नेगोशिएशन हार्ड था हमने सुना था दे टेक अबाउट 3 to 4 बट इट स्टार्टेड विद 6.5 एंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम डाउन टू 5 वो भी हमें ज़्यादा लग रहा है थोड़ा सा ही एक घंटे का रास्ता है बट सो बी इट हार्ड नेगोसिएशन वी हैव डन इट So we're getting into our cab, जो हमें 5,000 की पड़ी फोटो पॉइंट ऑन आवर वे और वो स्नो पीक्स और ये बीच में दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर ये ब्यूटीफुल सा व्यू सोनमर्ग से आगे घूमने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं एक थाजीवार ग्लेशियर और एक जीरो पॉइंट थाजीवार के लिए एक घोड़ा लेना पड़ता है जो एक घंटा लेता है ऊपर जाने के लिए ग्लेशियर पे जहाँ पे एक रिवर वगैरह है और फिर नीचे आने का एक घंटा सो अगर घोड़े पे जिसको जाना नहीं मुश्किल लगता है सो उसके लिए जाना काफ़ी मुश्किल रहेगा दूसरा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जाना जिसके लिए कैब्स मिलती हैं तो हमने थाजीवार नहीं किया क्योंकि घोड़े पे एक घंटा जाना और आना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए और मेरे को तो बहुत ही डर लगता है घोड़े पे बैठने से तो हम जीरो पॉइंट जा रहे हैं तो ये रास्ते के सारे व्यूज़ हैं इस वीडियो में मोस्टली रोड्स और साइट की ब्यूटी कवर हो रही है क्योंकि जीरो पॉइंट अपने आप में ऐसे कुछ खास अलग चीज़ नहीं है इन्हीं सब माउंटेंस के बीच में एक पॉइंट है जिसके आगे लद्दाख की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है तो यही ये जो राइड है ये जो जर्नी है और व्यूज़ हैं ये सब कुछ ही इंजॉय करने होते हैं सो दैट इज़ व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दैट वी सॉ ऑन आवर रोड टू जीरो पॉइंट
बहुत ही अमेजिंग रोड्स तो ख़राब हैं बट अमेजिंग व्यू है ये माउंटेन्स जो पत्थर को काट के बनाए हुए हैं, सिंगल रोड है, सो फन टू सी ऑल दिस। पॉइंट दिस इज इट पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक हम यहाँ पे मैगी खाते हैं, सी यू, कीप स्टे ट्यून्ड।